नमस्कार, न्यूज क्लिक के डेली राउंडअप में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ हेडलाइंस पर। बिहार, राशन कार्ड में गड़बड़ियों के चलते बड़ी संख्या में लोग मुफ्त राशन से वंचित। कोरोना अपडेट, देश में पिछले 24 घंटों में फिर से रिकॉर्ड 96,000 से अधिक नए मामले आए हैं। नई पुस्तक में दावा, ट्रंप ने जानबूझकर कोविड-19 के खतरों को नजरअंदाज किया। आर्थिक संकुचन 24% नहीं 40% है, प्रोफेसर अरुण कुमार। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना पार्ट 2 और वन नेशन वन राशन कार्ड की घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि देश के सभी गरीबों को नवंबर 2020 तक मुफ्त राशन दिया जाएगा। खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्री रामविलास पासवान ने इसके बाद मीडिया को संबोधित करते हुए बताया कि जिसका राशन कार्ड भी नहीं बना है उन्हें भी 5 किलो अनाज और 1 किलो चने का दाल मुफ्त दिया जाएगा। घोषणाओं के विपरीत बिहार में यह चीज स्वीकार कर ली गई है कि जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उन्हें मुफ्त राशन नहीं दिया जाएगा। गया जिले के संजय कुमार, जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, उनके लिए अभी का समय बहुत मुश्किल भरा है। उन्होंने जीविका के माध्यम से राशन कार्ड के लिए आवेदन भी दिया था लेकिन कार्ड बनकर नहीं आया। वो बताते हैं, सर राशन कार्ड हम लोग भरकर देते हैं लेकिन एक बार भी राशन कार्ड बनकर नहीं आता। लॉकडाउन में भी हम भरे थे लेकिन बनकर नहीं आया। मेरे पास एक कट्ठा भी जमीन नहीं है, मजदूरी करते हैं तो खाते हैं, अभी काम भी पहले जैसा नहीं मिल रहा है तो जैसे तैसे गुजारा कर रहे हैं। राशन कार्ड नहीं बना है तो मुफ्त वाला राशन भी नहीं देता है। सरकार तो कहती है कि सब गरीब को मिल रहा है लेकिन यहाँ जिसका राशन कार्ड नहीं है उसको एक दाना भी नहीं दिया जा रहा है। डीलर कहता है सरकार भेज ही नहीं रही है तो हम अपने घर से दें। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आज 11 सितंबर सुबह 8 बजे जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में कोरोना के फिर से रिकॉर्ड तोड़ 96,551 नए मामले सामने आए हैं। इसके अलावा कोरोना से एक दिन में 1,209 मरीजों की मौत हुई है। साथ ही इसी बीच कोरोना से पीड़ित 70,880 मरीजों को स्वस्थ भी किया जा चुका है। देश भर में अब कोरोना के मामलों की संख्या 45,62,414 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा जानकारी के अनुसार देश का रिकवरी रेट 77.64% हो गया है, यानी कुल संक्रमित मरीजों में से 35,42,663 मरीजों को ठीक किया जा चुका है। लेकिन कोरोना से अब तक 76,271 मरीजों की मौत हो चुकी है। इसी के साथ देश में सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 9,43,480 हो गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी ICMR द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अब तक 5,40,97,975 सैंपल की जांच की गई है, जिनमें से 11,63,542 सैंपल की जांच बीते 24 घंटों में हुई है। पत्रकार बॉब वुडवर्ड द्वारा लिखी गई एक नई पुस्तक के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO द्वारा कोविड-19 को 11 मार्च को वैश्विक महामारी घोषित करने से काफी पहले इस नोवेल कोरोना वायरस संक्रमण की घातक स्वरूप के बारे में जानकारी थी। वुडवर्ड के साथ ट्रंप के साक्षात्कार की ऑडियो रिकॉर्डिंग जो बुधवार 9 सितंबर को वॉशिंगटन पोस्ट में प्रकाशित हुई, जिसमें पता चलता है उन्होंने जानबूझकर सार्वजनिक रूप से इस बीमारी की गंभीरता को नजरअंदाज कर दिया था। 15 सितंबर को विमोचन होने वाली रे शिशर की पुस्तक के अनुसार ट्रंप को 28 जनवरी को अपने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से इस बीमारी के घातक स्वरूप के बारे में जानकारी मिली। 7 फरवरी को वुडवर्ड के साथ अपनी टेलीफोनिक बातचीत में ट्रंप ने स्वीकार किया कि कोविड-19 आपके खतरनाक फ्लू से अधिक घातक था। इस पुस्तक में दावा किया गया है कि फरवरी महीने में अपनी खुफिया एजेंसियों से बार बार चेतावनी मिलने के बावजूद ट्रंप ने अफरा तफरी से बचने के लिए सार्वजनिक रूप से इस खतरे को नजरअंदाज करने की कोशिश की थी। अप्रैल से जून तक के 3 महीनों के बीच भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP में गिरावट सरकार के अनुमान से ज्यादा खराब है। न्यूज क्लिक के साथ खास बातचीत में प्रोफेसर अरुण कुमार ने कहा कि अनुमानित 80 करोड़ भारतीय या आबादी का 60% फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय तौर से परिभाषित गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं। आज के चर्चा का विषय है भारतवर्ष का अर्थव्यवस्था और मेरे साथ अध्यापक अरुण कुमार, जाने माने अर्थशास्त्री। इन्होंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में बहुत साल अर्थनीति पढ़ाया। तो अध्यापक
अरुण कुमार जी, वो 31 अगस्त भारत सरकार का जो आंकड़ा आया है कि हमारे देश का जो जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद वो लगातार 2 साल से गिर रहे थे, 8 तिमाही में 2 साल गिर रहे थे, 8 तिमाही, अप्रैल मई जून ये 3 महीना में ठीक लॉकडाउन के बाद, अगर आप ये जनवरी फरवरी मार्च से तुलना करेंगे तो भारतवर्ष का जीडीपी लगभग 24% 23.9% गिरा, ये भारत सरकार का आंकड़ा कह रहा है। अगर ये 3 महीना अप्रैल मई जून आप 2019 का अप्रैल मई जून के साथ अगर तुलना करेंगे तो ये गिरावट लगभग 23%, 22.8%। तो ये सारे जो आंकड़ा अभी आए हैं सार्वजनिक हुए हैं, आप किस नजरिया से देखते हैं? ये भारी गिरावट है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन मेरा मानना है कि ये और भी ज्यादा गिरावट है। ये सिर्फ 23.9% की गिरावट नहीं है, क्योंकि जैसे कि जो प्रेस रिलीज आई जिसमें ये आंकड़े दिए गए थे सरकार की तरफ से, तो उसी में कहा गया है कि हमारे पास पूरे आंकड़े नहीं थे और इसलिए हमने प्रॉक्सी कुछ यूज़ किए हैं और ये डेटा रिवाइज होगा। तो दो चीज़ें तो साफ हैं, एक तो कॉरपोरेट सेक्टर के रिजल्ट आए कुछ, लेकिन उन्हीं कॉरपोरेट सेक्टर के रिजल्ट आए जिनके रिजल्ट अच्छे थे और सरकार ने टाइम दिया बाकियों को कि वो सितंबर तक अपने आंकड़े दें, तो जब वो फाइनल आंकड़े आएंगे तो क्योंकि बहुत भारी लॉस हुआ, बहुत सारी कंपनियां बंद थी, तो इसलिए ये रिवाइज होगा डाउनवर्ड। और दूसरी बात ये, उन्होंने जीएसटी के आंकड़े इस्तेमाल किए। अब जीएसटी में भी क्या था कि मार्च में ये छूट दे दी गई थी कि आप जून तक के एंड तक आप अपने आंकड़े दे सकते हैं, तो जून में एक लंपिंग हो गया जिसमें जीएसटी कलेक्शन फरवरी मार्च अप्रैल का वो लंप हो गया, तो जीएसटी भी ज्यादा हो गया। तो इसलिए ये भी एक परेशानी का दौर है कि अगर आप जीएसटी के आंकड़े लेते हैं तो वो भी एक अपवर्ड बायस देंगे। और फिर सबसे बड़ी बात यह कि असंगठित क्षेत्र तो बिल्कुल ही बंद हो गया था और हमारी अर्थव्यवस्था में 45% असंगठित क्षेत्र है। अच्छा, उसके आंकड़े तो आते ही नहीं है। के ऊपर अध्यापक अरुण कुमार जी, आपसे मैं बारीकी से पूछना चाहता हूँ। मैं ये इससे जुड़ा हुआ है, जीएसटी के ऊपर मैं बाद में कहूंगा, ये बिल्कुल ठीक। जो असंगठित सेक्टर है, जो इनफॉर्मल अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, हमारे देश के 90% लोग आज, 90% ज्यादा लोग आज असंगठित क्षेत्र में है। मगर आप जैसे कहा, हमारे पूरा जीडीपी अगर हम अर्थव्यवस्था देखेंगे आधा के आसपास 45% आ रहे, तो ये पूरा क्षेत्र का जो आंकड़ा है हमारे पास, हर 5 साल में एक समीक्षा होता है, एक सर्वेक्षण होता है, उसके बाद मालूम पड़ता है। मगर इस साल आप लग रहे हैं ये थोड़ा बढ़ा के सरकार ने दिखाया क्या? नहीं, ये आंकड़े तो है ही नहीं। तो जो मेथड होता है, जिस तरीके से हम आंकते हैं, हम मान लेते हैं कि असंगठित क्षेत्र उसी तरह चल रहा है जैसे संगठित क्षेत्र। ये बात नोटबंदी के बाद सही नहीं है, जीएसटी जो लागू हुआ उसके बाद सही नहीं है, क्योंकि इनको जो है काफी बड़ा धक्का लगा असंगठित क्षेत्र को। और अभी भी ये जो आंकड़े हैं इसमें असंगठित क्षेत्र नहीं है, और असंगठित क्षेत्र ही पूरी तरह बंद हो गया क्योंकि लोग घर से निकल नहीं पाए, काम हो नहीं पाया, आपने देखा सड़कें खाली थी। तो अगर असंगठित क्षेत्र को भी जोड़ लें तो मेरा मानना है कि ये -40% से भी कम है रेट ऑफ ग्रोथ। और अगर आप ये मान के चलें कि कृषि में भी परेशानी आई, क्योंकि ऐसा नहीं कि कृषि पूरी तरह काम कर रहा था, सब्जी और फल तो खेतों में ही सड़ गया, वो बाहर नहीं निकल पाया। आजादपुर मंडी में आधे से कम पिछले साल के मुताबिक वो आया, पंजाब की जब मंडियों में भी आधे से कम जो सामान आ पाया और जो प्राइसेस है वो क्रैश कर गए। उसी तरह फ्लोरिकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, और बाकी जैसे मिल्क का उत्पादन है, दूध का उत्पादन है, और जो मुर्गियों का है, अंडों का है, उसमें बहुत भारी गिरावट आई क्योंकि मिड डे मील स्कीम बंद हो गया, हलवाई बंद हो गए, होटल रेस्टोरेंट बंद हो गए, यहाँ पे दूध वगैरह की खपत होती थी वो खत्म हो गई। तो कुल मिला के कृषि में भी पूरी तरह काम नहीं हुआ, कृषि में भी गिरावट आई। हालांकि सरकार कह रही कृषि तो अच्छा कर रहा है, पर मेरा मानना है कि अरुण कुमार जी, मैं सरकारी आंकड़ा आपको बताता हूँ। सरकारी आंकड़ों कह रहे कि कृषि क्षेत्र में 3.4% बढ़ा ये तिमाही में अप्रैल मई जून, क्योंकि जो खारिफ का जो 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 फसल आए थे, लोग शहर छोड़ के गांव चले गए थे, वहां पे उत्पादन बढ़ गया, ये सरकार का कहना है। मगर सरकार खुद मान रहे हैं कि अगर आप
पूरा जो हमारे जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है वो लगभग आधा हो गया, 50% गिरा। आपका जो व्यापार कहेंगे, हॉस्पिटैलिटी, कम्युनिकेशन, इसमें भी 47%, और जो खनन होता है, माइनिंग एंड क्वारिंग, उसमें 23%, और मैन्युफैक्चरिंग जो उद्योग क्षेत्र है वहां पे लगभग 39% कम हो गया था। और ये जो गिरावट आप कह रहे हैं, जो जीडीपी का गिरावट, हम 40 साल में ऐसा गिरावट नहीं देखा। मैं कह रहा हूँ कि जो हमारे सरकार के आंकड़े आए हैं वो सिर्फ संगठित क्षेत्र के हैं, उसमें असंगठित क्षेत्र आता ही नहीं। असंगठित क्षेत्र में कंस्ट्रक्शन भी आता है, बाकी आता है, तो ये आंकड़े सही नहीं है। और अगर ये हम मान लें कि जो अप्रैल में जब जो लॉकडाउन हुआ पूरी तरह, तो अर्थव्यवस्था 75% गिर गई, और मई में थोड़ी बहुत बढ़ी तो 60% पे आई, और जून में 50%, और उसका एवरेज अगर निकालें तीनों का तो -58% आता है। इसलिए बार बार मैं कह रहा हूँ कि -40% से भी ज्यादा की गिरावट आई अर्थव्यवस्था में, क्योंकि असंगठित क्षेत्र को जोड़ लें तो जबरदस्त गिरावट है। और ये जो 23.9 है ये तो सही आंकड़ा नहीं है, क्योंकि इसको तो खुद ही सरकार कह रही है कि ये तो रिवाइज होगा, और ये जो आंकड़े हैं ये सिर्फ संगठित क्षेत्र के भी पूरी तरह से नहीं है, तो इसलिए ये सारा कुछ रिवाइज होने वाला है। और इसीलिए मैंने कहा कि कृषि में भी गिरावट है, ऐसा नहीं है कृषि में बढ़त है, क्योंकि उसमें हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, ये सब में गिरावट हुई। फिर जो किसान है उसको MSP नहीं मिला, तो वहां पे उसकी आमदनी कम हो गई, तो किसानों में भी क्राइसिस हुआ। हालांकि फसल बढ़ गई जैसे फूड ग्रेन्स और पल्सेस की, लेकिन वहां पे भी परेशानी आई क्योंकि MSP नहीं मिला, सामान जब बाजार में आ नहीं पाया, तो कुल मिला के आमदनी बहुत ज्यादा गिरी, सारे असंगठित क्षेत्र की गिरी, और मेरा मानना है कि करीब 20 करोड़ लोगों का काम चला गया। ये जो हमारे देश का जो डॉक्टर कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम है, जो हमारे जो आर्थिक सलाहकार है, जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है हमारे वित्त मंत्रालय, हमारे भारत सरकार में, उनका कहना है कि फरवरी महीना में हम देख रहे थे थोड़ा बहुत हमारे जीडीपी बढ़ रहे थे, ग्रीन शूट्स ऑफ रिकवरी उनका कहना है, और बोला कि जब लॉकडाउन हुआ यही एक कारण है जिसके लिए हम देख रहे थे जीडीपी कम हो गया। और कुछ लोग कह रहे थे बाकी देशों में ऐसा नहीं हालत है, मगर आप अगर OECD ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, जो सबसे जो अमीर देश है, उनके आंकड़ा देखेंगे तो भारत में उसकी गिरावट सबसे ज्यादा हुई है। तो दो सवाल है, ये कि सिर्फ एक लॉकडाउन के लिए हुई है, और अगर आप भारतवर्ष का अर्थव्यवस्था और बाकी सारे देशों के साथ अगर तुलना करेंगे, क्या छवि आपको मिल रही है? ऐसा है कि जो आपने कहा कि फरवरी मार्च में थोड़ा सा बढ़त हो रही थी, लेकिन जो आंकड़े आए तो गिरावट के ही आए कि 3.1%, वो तो क्वार्टर बाई क्वार्टर गिर रहा था। और कुछ थोड़े बहुत आंकड़े देके हम कहें कि नई नई चीजें बेहतर हो रही थी, तो वो सही नहीं है। कुल मिला के इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वगैरह सारा कुछ देखें तो गिरावट जारी थी, लेकिन जैसे लॉकडाउन हुआ तो लॉकडाउन में तो सब कुछ बंद हो गया, सप्लाई फ्रीज हो गई, डिमांड एकदम गिर गई, तो इससे तो जितनी गिरावट हुई वैसी तो भयंकर गिरावट कभी देखी नहीं गई। और जो आप कह रहे हैं कि बाकी और जो G20 के राष्ट्र हैं उनकी तुलना में हमारी गिरावट ज्यादा है, और उसकी वजह बड़ी आसान है कि जो हमारे यहाँ असंगठित क्षेत्र बहुत बड़ा है, इतना बड़ा असंगठित क्षेत्र और किसी अर्थव्यवस्था में नहीं है। और दूसरी बात यह कि आपने कहीं भी नहीं देखा कि करोड़ों लोग जब पलायन कर रहे हैं शहर से गांव में, तो ये दिखा रहा है कि हमारा जो क्राइसिस है वो और बाकी देशों के कंपैरिजन में ज्यादा है। लेकिन अभी कल ही साउथ अफ्रीका के भी आंकड़े आए हैं, वहां पे भी 50% की गिरावट आई है, तो ये मतलब आश्चर्यजनक बात नहीं होगी कि भारत में भी 50% से ज्यादा की गिरावट आई, क्योंकि हमारे यहाँ भी असंगठित क्षेत्र बहुत बड़ा है और वही पिट गया। तो जैसे मैं कह रहा था कि जो रोजगार है वो तो असंगठित क्षेत्र में खत्म हो गया, और इसलिए 122 मिलियन का जो आंकड़ा CMI ने दिया है, मेरा आंकड़ा है कि 200 मिलियन, यानी कि 20 करोड़ लोगों की जो नौकरी चली गई। और उसमें होता क्या है कि जैसे अगर आप फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, फैक्ट्री बंद हो गई तो आप कहेंगे मैं एम्प्लॉयड हूँ, पर आपका काम तो खत्म हो गया। उसी तरह जैसे सरकारी मुलाजिम है वो तो एम्प्लॉयड है, लेकिन वो आधे दिन ही काम पे जा रहे हैं या वो जा ही नहीं रहे काम पे, या टीचर है वो पढ़ा नहीं पा रहा है, या बहुत सारे टीचर हैं वो एडहॉक या टेम्पररी हैं। तो इसलिए एम्प्लॉयमेंट और वर्क में हमें फर्क करना पड़ेगा, यानी कि रोजगार में और काम में, कि आप हो सकता है कि आपका रोजगार नहीं गया लेकिन आप काम नहीं कर रहे क्योंकि लॉकडाउन हो गया। इसलिए मेरा मानना है कि CMI के आंकड़े भी सही नहीं है। आज के डेली राउंडअप में बस इतना ही। न्यूज क्लिक के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए हमारी हिंदी और इंग्लिश वेबसाइट भी जरूर देखें। फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर हमें फॉलो करें। न्यूज क्लिक देखने के लिए शुक्रिया। Thank you.